तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ये हम लोग एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कल जो हम लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ा था, उसी की ये रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं। और ये चैप्टर जो है वो हमारा बेसिकली है प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के बारे में है। प्रोनाउंस जिसको कि हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सर्वनाम। अभी तक हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन होते हैं संज्ञा, और संज्ञा को हम कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन कहते हैं नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नोन एज अ नाउन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हम सर्वनाम की, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे हम यूज करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज अ प्रोनाउन। ठीक है, ये एक ऐसा शब्द होता है जो हम इसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने कहा राधा इज अ गर्ल, राधा एक लड़की है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट। इसमें नाउन क्या है? राधा। ये नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि इट इज अ नेम, दिस इज अ नेम ऑफ ए गर्ल। ये एक लड़की का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है, इसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन अगर हमें जब प्रोनाउन का यूज करना होगा, जब हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा, तो हम प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन की जगह पे यूज होने वाला शब्द। हमको राधा हटाना है, राधा के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? शी इज अ गर्ल। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है शी, वह एक लड़की है। पहले हमने कहा कि राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है। लेकिन अगर हमें उसका नाम नहीं लेना है और हमें कहना है वह एक लड़की है, तो हम उसकी जगह पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं, शी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो प्रोनाउन हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम वो वर्ड है जो यूज होता है संज्ञा के स्थान पे, क्योंकि हम हर जगह किसी व्यक्ति का नाम लेके उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रघुज मदर आस्ड डैश टू क्लीन द गार्बेज। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हम लोग हर जगह रघु 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 नहीं कर सकते। वहाँ पे हम एक जगह नाम लेते हैं कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, उसे ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सर्वनाम यूज़ किया? हमने यहाँ पे उसे भी कहा और वो भी कहा। तो ये सब क्या? ये सर्वनाम है। हमने ये सब किस लिए यूज़ किया? ये राधा के लिए यूज़ किया कि उसे ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, और हमने क्या कहा? वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। तो ये दोनों शब्द हमने यूज़ किए राधा के लिए। तो अगर हम हर जगह राधा राधा डालेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। राधा एक बहुत अच्छी लड़की है, राधा को खाना बनाना आता है, राधा को ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस रिपीटेशन को, इस दोहराव को बचाने के लिए, क्योंकि ये दोहराव अच्छा नहीं लगता, इसको बचाने के लिए हम संज्ञा का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद हम संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू करते हैं। अब इसमें देखने की बात ये है कि अगर वहाँ लड़की है, अगर कोई लड़की की बात कर रहे हैं, अगर कोई गर्ल है, कोई लड़की है, तो वहाँ पे हम कौन सा सर्वनाम यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी, वह, मतलब वह। अगर हमको वह का इंडिकेशन देना है तो वह मतलब शी। और अगर वहाँ पे कोई बॉय है, लड़का है, तब हम क्या करेंगे? लड़का है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, ह, मतलब वह। और अगर हमको ये कहना है उसका, उसका, जैसे हमें कहना है कि ये उसके पास है, ये उसका है, तो लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम हर, और लड़के के लिए हिज। ये उसका है, ये उसका पेन है, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हर पेन। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि अगर गर्ल है, अगर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है,
तो लड़की, उसके लिए हम शी और हर यूज करते हैं। अगर बॉय है, लड़का है, तो उसके लिए हम ही और हिज यूज करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे हिम भी यूज करते हैं लड़की के लिए, लेकिन हर ही आता है हर कंडीशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज को। अब समझ लिया है, और प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, रघुज मदर आस्ट। यहाँ पे देखिए, रघुज मदर, ये चीज़ हमने पहले भी स्पष्ट की है अपने वीडियो में। अगर कहीं पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है रघुज और यहाँ लिखा हुआ है मदर, ठीक है, तो ये जो ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस होता है, इसका मतलब होता है कि, मतलब ये जो आगे जो भी नाम लिखा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, रघु की माँ। यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, अपोस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पे अगर पेन होगा तो क्या होगा, रघु की पेन, ठीक है। तो यहाँ रघुज मदर मतलब रघु की माँ, ठीक। तो यहाँ पढ़ते हैं इसको, रघुज मदर आज्ड, रघु रघु की मदर ने कहा डैश टू क्लीन द गार्बेज। अब रघु की मदर ने रघु से कहा कि वो कूड़ा, गार्बेज, अरे सॉरी, गैरेज मतलब होता है जहाँ कार खड़ी की जाती है, गैरेज, गैरेज को साफ कर दे। क्लीन मतलब होता है साफ कर दे। तो रघु की माँ ने रघु से कहा कि वो गैरेज साफ कर दे। अब देखिए, यहाँ पे रघु है, रघु की माँ ने, रघु मदर आस्ड, यहाँ पे आना तो चाहिए कि रघु को ही, क्योंकि रघु से ही कहा, लेकिन बार बार इसका नाम रखना ठीक नहीं है। तो हम और क्या कहेंगे, रघुस मदर आस्ड हिम, उसको कहा, ठीक है, आस्ड हिम टू क्लीन द गैरेज। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हिम। रघु की माँ ने रघु से कहा कि वो क्या साफ कर दे, गैरेज साफ कर दे, हिम। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये कुछ ये सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश हैव अ मैजिकल पेंसिल। अब यहाँ पे हमको बताना है अपने बारे में कि मेरे पास मैजिकल पेंसिल है, मतलब एक जादुई पेंसिल है, मैजिकल मतलब जादुई पेंसिल है मेरे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मी, तो मी तो नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई। आई जो है वो प्रोनाउन है, तो हम यहाँ कहेंगे आई, आई हैव, मेरे पास अ मैजिकल पेंसिल, मेरे पास एक मैजिकल पेंसिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश इज गोइंग टू मिल्क अ काऊ, ठीक है, कौन जा रहा है काऊ को, मतलब दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं ऑप्शन में, एक है दे और एक है ही। दे मतलब तो होता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे, दे मतलब वो सब, दे मतलब होता है वो सब, मतलब कई सारे लोग हैं, और ही मतलब होता है वह। तो यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज आता है एक आदमी के लिए, और आर आता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर बहुत सारे लोग जा रहे होते तो यहाँ पे आर लिखा होता, यहाँ पे इज लिखा है, इसका मतलब एक ही आदमी जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वह ही, वह दूध दुहने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास हैव ईटन डैश मिड डे मील। ऑल मतलब सभी चिल्ड्रन, बच्चों ने स्कूल में हैव ईटन खा लिया है, हैव ईटन डैश मिड डे मील, दोपहर में जो हम लोग का बच्चों का खाना बनता है वो खा लिया है बच्चों ने। तो क्या होगा, यहाँ दो ऑप्शन दिया है, एक हर और एक देयर। हर होता है, हर तो आता है, एक लड़की, अगर कोई लड़की होती है तो उस लड़की के लिए आता है हर, यानी कि अगर कोई लड़की होती यहाँ पे तो उसके लिए आता हर। लेकिन यहाँ पे लड़की की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है बात किसकी, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने, तो सभी बच्चों के लिए यूज होगा वर्ड देयर, सभी बच्चों ने, देयर यहाँ पे हम लिखेंगे देयर, कि सभी बच्चों ने अपना खाना खा लिया, यहाँ पे देयर आएगा, यहाँ पे ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डिड एनीवन सी डैश इरेजर, डिड एनीवन सी, क्या किसी ने देखा है, डिड एनीवन, किसी ने, एनीवन मतलब किसी ने, सी देखा है इरेजर, रबर, क्या देखा है, दो ऑप्शन है, माई मेरा, मी मैं,
तो क्या देखा है, मैं इरेजर या मेरा इरेजर? माई इरेजर, मेरा इरेजर, क्या किसी ने मेरा इरेजर देखा है? तो ये देखिए, ये सब वो वर्ड्स थे बेटा जो नाउन की जगह यूज हो रहे थे, जिसमें किसी के नाम लिखने की जगह हम नाम की जगह किसी व्यक्ति की जगह हम उसको प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि शी, ही, हिज, हिम, माई, आवर, देयर। ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है, और ये दूसरे मतलब उनके नाम की जगह हम प्रदर्शित करते हैं इन शब्दों से। तो ये सब होते हैं प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 8। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रोनाउंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में हमें प्रोनाउंस भरने हैं, ठीक है, प्रोनाउंस भरने हैं, जो कि हम लोगों ने भी समझा, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउन सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है, कबीर, कबीर एक लड़के का नाम है। कबीर इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कबीर एक बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती स्टूडेंट, विद्यार्थी है। ही, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? ही, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, और वह हमेशा क्लास में, कक्षा में प्रथम आता है, फर्स्ट आता है। स्टैंड्स फर्स्ट मतलब हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। अब देखिए, कबीर इज ए हार्ड वर्किंग बॉय, कबीर क्या है? कबीर एक लड़का है, कबीर एक लड़का है, इसीलिए कबीर, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, अगर बॉय होता है तो बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। इसीलिए यहाँ बॉय है तो हमने यहाँ पे ही यूज किया, ठीक है, कि वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राधा, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो कौन है? नाउन हमारा एक गर्ल है, गर्ल है, इज ए गुड गर्ल, डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? हम लोग ने पढ़ा था, गर्ल के लिए प्रोनाउन आता है शी, ठीक है, तो हम यहाँ पे भरेंगे क्या? हम यहाँ पे शी भर देंगे, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, राम और श्याम दो लोग हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डैश आर गोइंग टू मार्केट, वो लोग मार्केट जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि अगर बॉयज होते हैं, अगर बॉयज होते हैं तो वहाँ पे लगता है ही, लेकिन अगर सिंगल बॉय होता है तो, सिंगल बॉय होता है, एक लड़का होता है तो उसके लिए यूज करते हैं ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बॉयज हैं, दो लड़के हैं, कितने बच्चे हैं? दो बॉयज हैं, तो इनके लिए हम ही नहीं यूज करेंगे, इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे, क्योंकि एक से जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हम उनको दे बोलते हैं, दे करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू मार्केट, वो दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूबी रन्स फास्ट, रूबी एक लड़की है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक लड़की है। रूबी रन्स फास्ट, रन्स दौड़ना, फास्ट मतलब बहुत तेज, रूबी बहुत तेज दौड़ती है। डैश इज ए गुड रनर, वो एक अच्छी धावक है, रनर मतलब धावक होते हैं जो लोग दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, वो एक बहुत अच्छी धावक है। तो क्या आएगा, हमने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन गर्ल है, फेमिनाइन है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं प्रोनाउन हम? शी। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी, शी इज गुड रनर। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की, नेम ऑफ नाउन की बात की थी कि नाउन की जगह पे यूज होता है प्रोनाउन, तो नाउन में हम लोगों ने बॉय का एग्जांपल देख लिया, गर्ल का एग्जांपल देख लिया, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे प्लेस की बात आई है, कोई स्थान की बात आई है। इन दोनों का तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या होता है,
ही इसके लिए यूज होता है और शी इसके लिए यूज होता है, लेकिन अगर कोई प्लेस का नाम है, कोई स्थान का नाम है, तब हम किस तरह के प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो देखते हैं, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारा हम जो राज्य में रहते हैं उसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ है। डैश इज द सिटी ऑफ नवाब्स, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है ये सिटी किसकी है, नवाबों का शहर बोलते हैं इसको। यहाँ पे हिंदी में जो सर्वनाम आएगा उसको कहेंगे ये नवाबों का शहर है। अब आपको क्या करना है, हमको इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है। कौन सा प्रोनाउन आएगा? देखिए ये पर्संस के लिए यूज होता है, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा इट। इट इज द सिटी ऑफ नवाब्स, ये नवाबों का शहर है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो प्रोनाउन वो है इट। इट इज द सिटी ऑफ नवाब्स। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल देख लिए। बॉय का देख लिया, बॉय के लिए ही, हिम और हिज का यूज होता है, ठीक है। गर्ल के लिए हर का यूज होता है। कोई प्लेस का नाम, कोई अगर स्थान का नाम है तो उसके लिए इट का यूज होता है। अब यहाँ पे आ गया क्या, टाइगर। टाइगर मतलब कोई एनिमल, कोई अगर जानवर है तो उसके लिए क्या यूज होगा प्रोनाउन, टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु है। डैश हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पर क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, धारियां होती हैं, ऐसे ऐसे करके धारियां होती हैं उसके पूरे शरीर पर, बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं। तो उसके शरीर पर धारियां होती हैं। इसकी जगह हमको कोई एक सर्वनाम, एक प्रोनाउन यूज करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट हैज, क्या लिखेंगे, इट हैज, ठीक है, इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पर स्ट्रिप्स होती हैं। तो एनिमल्स के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोहन इज अ पोस्टमैन। सोहन एक नाम से पता चल रहा है कि एक लड़का है। इज अ पोस्टमैन, वो एक डाकिया है। डैश डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, वह, यहाँ पे हिंदी में तो वह आ रहा है पढ़ने पर, वह डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को चिट्ठियाँ डिलीवर करता है, बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर बॉय है तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे ही। ही डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे दरवाजे जाके, चूंकि पोस्टमैन है तो वो सबको लेटर्स देता है, चिट्ठियाँ पहुँचाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजनी एंड आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। रजनी मेरी फ्रेंड है, एक लड़की है रजनी, और मैं, हम दोनों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दे की बात की थी, देयर इस तरह का था। अब यहाँ आ रहा है रजनी और मैं, मतलब मेरी फ्रेंड है और मैं हूँ, तो यहाँ पे बात आ गई है हम लोगों की, ठीक है, हम लोगों की बात आ गई कि हम लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। डैश डू नॉट, मतलब हम लोगों को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों को डू नॉट लाइक टू प्ले चेस, हम लोगों को चेस खेलना पसंद नहीं है। तो हम लोगों की जगह क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ आएगा वी डू नॉट लाइक टू प्ले चेस। इसका मतलब जहाँ पे मैं और मेरे साथ एक दो लोग और इन्वॉल्व होते हैं, हम लोगों वाला कंसेप्ट आता है, वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वहाँ हम वी यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम दूसरे लोगों की बात करते हैं कि वो लोग, तो वो लोगों की जब बात होती है तो वहाँ पे दे और देयर्स आता है। जहाँ हम और हम लोग आता है वहाँ पे वी और आर्स आता है। तो ये हो गए कुछ नाउन्स के कंसेप्ट, कुछ प्रोनाउंस के कंसेप्ट, कि कौन कौन से प्रोनाउन कहाँ कहाँ हम लोगों को यूज़ करना है।